टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट में पिछले कुछ सालों में अपने नाम को खूब चमकाया है। मंथली सेल्स रिपोर्ट में टाटा की ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही है। टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स को अपनी कार्स की सेफ्टी एंड इंश्योरेंस क्वालिटी के जरिए फोकस करते हैं। टाटा पंच टाटा के लाइनअप में सबसे स्मॉलेस्ट हैचबैक या कहें तो एक तरह की माइक्रो एसयूवी है। इसमें काफी सारे फीचर्स टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। टाटा मोटर्स अपनी पंच को अपडेट करने वाली है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने टाटा पंच को डिटेल से कवर किया है। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। टाटा पंच CNG। टाटा पंच आज के टाइम में उन बायर्स के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन है जो कि सेफ कार परचेज करना चाहते हैं। ये एसयूवी हर कस्टमर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहती है। टाटा मोटर्स अपनी इस अफोर्डेबल एसयूवी को CNG में भी लाने की तैयारी कर रही है। इसमें ICNG वेरिएंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा कि हमें टियागो एंड टिगोर में भी देखने को मिलता है। कुछ टाइम पहले टाटा पंच को कैमोफ्लार्ज के हुए स्पोर्ट किया गया था जो कि इसका एक ICNG वेरिएंट था। अगर ये CNG मॉडल में आती है तो टाटा पंच की सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। टाटा पंच EV। टाटा ने अपनी पंच को अल्फा आर्किटेक्चर मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर मैन्युफैक्चर किया है। इस प्लेटफॉर्म को फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इस वेरिएंट की गाड़ियां EV मॉडल्स में भी लॉन्च की जा सकती है। इंडिया में टाटा पंच EV के आने से टाटा की सेल्स काफी इंक्रीज होगी। टाटा की नेक्सन EV इंडिया में हाईएस्ट सेलिंग EV है। इसका मेन रीजन है टाटा की सेफ्टी एंड लॉन्ग रेंज परफॉर्मेंस। वहीं टाटा पंच का EV मॉडल कस्टमर्स के लिए काफी अफोर्डेबल होने वाला है। पंच EV को टाटा के जिप्ट्रॉन EV टेक्नोलॉजी के साथ लाया जाएगा। इसमें 26 किलोवाट वाली बैटरी पैक मिलेगी जिसमें कि इसकी एक्सपेक्टेड रेंज 220 किलोमीटर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा पंच EV एंड टाटा पंच ICNG से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आते ही न्यूज अपडेट कर देंगे। तो गाइज, ये है ऑल न्यू टाटा पंच। वीडियो से रिलेटेड अपनी ओपिनियन को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें एंड अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।